एक कि नीतीश कुमार यदि खुद प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, जैसा कि वो कई बार बोल चुके हैं, ललन सिंह ने भी कह दिया है, तो फिर वो ये तैयारी कर किसके लिए रहे या लेकिन अपनी कुर्सी किसी को दे नहीं पाए, तो अब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं वो किसी और को कैसे दे सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। NDA में वास्तविक तौर पर कौन है? क्या चिराग पासवान है या पशुपति पारस? ये दो लोजपा जो बिहार में बनी है, ये क्या एक हो पाएगी? क्या इन दोनों लोजपा को भाजपा एक साथ गठबंधन में रख पाएगी? क्या एक टेबल पर बैठकर चाचा और भतीजा अमित शाह के साथ सीटों में नेगोशिएट कर सकते हैं? बात कर रहे हैं उस कुंजी की जो उनके पिताजी को मिलते मिलते रह गई थी। अगर चिराग पासवान इसी तरीके से अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाते रहें तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चेहरा बिहार की राजनीति में वो हो सकते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर वो CM के लिए भी अपने आप को प्रेरित करें। लेकिन फिलहाल चूंकि गठबंधनों का दौर है तो चिराग पासवान भी इस बात को समझते हैं, और जहां एक तरफ वो स्वच्छंद होकर अकेले खेलना चाहते हैं, वहीं उनकी मजबूरी है कि वो इस राजनीतिक समुद्र में एक डुबकी तो कम से कम लगाए हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं और ये गेम बड़ा है, बिहार के पर्दे के पीछे हो रही हलचल को इस खबर में हम आपके सामने लेकर आते हैं, और लेकर ही नहीं आते हैं बल्कि बताते हैं कि यह सियासी हलचल अगर पर्दे के पीछे हो रही है तो उसका मुख्य कारण क्या है। देखिए, बिहार में फिलहाल दो ही बड़े यक्ष प्रश्न हैं। एक कि नीतीश कुमार यदि खुद प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, जैसा कि वो कई बार बोल चुके हैं, ललन सिंह ने भी कह दिया है, तो फिर वो ये तैयारी कर किसके लिए रहे हैं? हम सभी जानते हैं कि नीतीश बहुत महत्वाकांक्षी हैं। 16-17 साल के कार्यकाल के दौरान कभी भाजपा, कभी तेजस्वी, कभी लालू, सभी के साथ उन्होंने गठबंधन किया लेकिन अपनी कुर्सी किसी को दे नहीं पाए, तो अब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं वो किसी और को कैसे दे सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा दूसरा बड़ा सवाल जो बिहार की राजनीति में लगातार तैर रहा है, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है, हम लगातार उसकी विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तय है कि ये सवाल अभी भी सॉल्व नहीं हो पाया है। इस सवाल के वास्तविकता को जानने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, और आज गेम बड़ा में मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। दरअसल ये सवाल कुछ और नहीं बल्कि ये है कि NDA में वास्तविक तौर पर कौन है? क्या चिराग पासवान है या पशुपति पारस? ये दो लोजपा जो बिहार में बनी है, ये क्या एक हो पाएगी? क्या इन दोनों लोजपा को भाजपा एक साथ गठबंधन में रख पाएगी? क्या एक टेबल पर बैठकर चाचा और भतीजा अमित शाह के साथ सीटों में नेगोशिएट कर सकते हैं, या भाजपा जैसा चाहती है कि दोनों एक हो जाए वो हो जाएगा? निश्चित तौर पर एक बहुत संशय बना हुआ है कि आखिर लोजपा रामविलास और रालोजपा दोनों कब एक होगी, होगी भी कि नहीं। जिस तरीके से चाचा और भतीजा के बीच लगातार तलवारें खींची रहती हैं, उनके प्रवक्ताओं के बीच लगातार जो द्वंद्व चलता रहता है, इससे लगता नहीं है कि दोनों एक हो पाएंगे। लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है, और अक्सर राजनीति में आप जिसे संयोग समझते हैं दरअसल वो एक प्रयोग होता है। अपने चाचा से अलग, भाजपा से अलग, चिराग पासवान भी लगातार प्रयोग ही कर रहे हैं, लगातार युवाओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं, लगातार वो तलाश कर रहे हैं उस कुंजी की जो उनके पिताजी को मिलते मिलते रह गई थी। अगर चिराग पासवान इसी तरीके से अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाते रहें तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चेहरा बिहार की राजनीति में वो हो सकते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर वो CM के लिए भी अपने आप को प्रोजेक्ट करें। लेकिन फिलहाल चूंकि गठबंधनों का दौर है तो चिराग पासवान भी इस बात को समझते हैं, और जहां एक तरफ वो स्वच्छंद होकर अकेले खेलना चाहते हैं, वहीं उनकी मजबूरी है कि वो इस राजनीतिक समुद्र में एक डुबकी तो कम से कम लगाए हैं, इसलिए मजबूरी हो जाती है कि या तो महागठबंधन या NDA का हिस्सा बने। भाजपा को भी पता है कि चिराग पासवान के पास वोट है, और उस वोट को भाजपा अपने पाले में करने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार है, लेकिन चूंकि चिराग पासवान को सीधे तौर पर NDA में लाना उनकी शर्तें मानना होगा, और चिराग की शर्तों की वजह से भाजपा डर जा रही है, सहम जा रही है, वो नहीं चाहती है कि चिराग की शर्तें मानकर, इन शर्तों के बारे में मैंने आपसे कई बार चर्चा की है, उन शर्तों में एक बहुत बड़ी शर्त है कि पशुपति पारस को बाहर किया जाए, हाजीपुर की सीट जो है वो उन्हें दी जाए। अब इस मामले की वजह से, इन शर्तों की वजह से भाजपा चाहकर भी चिराग पासवान से रिश्ते सुधार नहीं पा रही है। दोनों के रिश्ते खराब भी नहीं हैं, ये भी आप जान लीजिए, जब जब चुनाव आ रहा है तब तब चिराग पासवान से भाजपा अपना समर्थन मांग ले रही है, लेकिन उसी के समानांतर भाजपा
पशुपति पारस को भी छोड़ नहीं रही है। प्रधानमंत्री से पशुपति पारस के सभी सांसदों की मुलाकात होना, कर्नाटक चुनाव में प्रचार कर लिए के लिए लगातार उन्हें भेजना, मंत्री बनाए रखना, हाजीपुर की सीट जो है उसको लेकर कहा जाता था कि अमित शाह से दबाव बनवाना चाहते हैं चिराग पासवान, ये चाहती है लोजपा रामविलास कि हाजीपुर की सीट पशुपति पारस से ले ली जाए, बदले में पशुपति पारस को भाजपा जैसे चाहे वो कंपनसेट करे। देखिए भाजपा के लिए एक बिहार में समस्या सबसे बड़ी हो गई है कि जितने भी दल हैं 40 सीटों में से 30 प्लस सीट तो भाजपा खुद लड़ना चाहती है। अगर वर्स्ट केस में भी भाजपा चुनाव सीटें अपनी कम करके लड़ती है तो वो 25 से 28 तक जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा अपने सहयोगियों के लिए जो सीटें छोड़ रही हैं उतना उनकी डिमांड के हिसाब से नाकाफ़ी नज़र आ रहा है। खबर तो ये भी आ रही है कि मुकेश सहनी के डिमांड और मांझी के एंट्री को लेकर भी लगभग मसौदा बन गया है। ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, इन सब के बीच सीटों को बांटने के लिए भाजपा को अपने हिस्से की सीटों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। यही कहीं ना कहीं एक गेम आता है राज्यसभा की सीटों का। बिहार में कोई एक राज्यसभा, कुछ राज्यसभा की सीटें खाली होने वाली हैं, उन सीटों को अपने सहयोगियों में एडजस्ट अगर भाजपा कर देती है तो फिर अपने लोगों को एडजस्ट नहीं कर पाएगी। इसी में कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि कैच भाजपा निकालने की कोशिश कर रही है। शुरुआत में तो ये खबर आई कि भाजपा हाजीपुर की सीट पशुपति पारस से नेगोशिएट करके लेकर चिराग पासवान को दे देगी। चिराग पासवान इतना से खुश हो सकते हैं क्योंकि जमुई से चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी नहीं है। वो चाहते हैं कि अपने पिता की पुश्तैनी सीट को पे चुनाव लड़े। जहाँ एक तरफ इसका नैरेटिव ये बताया जा रहा है कि उन्हें जमुई से हारने का डर है, वहीं उनकी तरफ से, उनके पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि चूंकि ये सीट उनके पिता की पुश्तैनी सीट है तो इस सीट पर उनका अधिकार बनता है। वहीं पशुपति पारस के गुट द्वारा ये बार बार कहा जा रहा है कि ये सीट दरअसल चिराग पासवान की हो ही नहीं सकती है क्योंकि इस सीट पर शुरुआती दौर से ही क्षेत्ररक्षण पशुपति पारस करते आए हैं। जब इस सीट पर रामविलास पासवान जीतते थे तब भी इस सीट पर पशुपति पारस उनके सांसद प्रतिनिधि बनकर उनके लिए क्षेत्ररक्षण लगातार किया करते थे, पूरा बूथ मैनेजमेंट करते थे। ऐसे में यदि इस सीट को उन्हें दिया गया है तो ये रामविलास पासवान द्वारा ही दिया गया है, तो रामविलास पासवान दी गई चीज़ चिराग पासवान अपने चाचा से नहीं छीन सकते हैं। सारा जो दोनों पार्टियों के बीच और दोनों परिवारों के बीच विवाद है वो दरअसल अब केवल हाजीपुर सीट की वजह से रह गया है। ना तो चिराग पासवान को पशुपति पारस के एनडीए में रहने से कोई समस्या है, ना पशुपति पारस को ही कोई समस्या अब रह गई है चिराग पासवान के एनडीए में आने से। उन्हें भी ये बात समझ में आ गई है कि भाजपा चिराग को छोड़कर चलना नहीं चाहती है, इसलिए जो आपसी द्वंद्व है उसे थोड़ी देर के लिए साइड करके, परहेज करके उससे चाहते हैं पशुपति पारस की। भाजपा अगर चाहती है कि चिराग की एंट्री हो जाए तो वो हो जाए, उन्हें कोई उससे परहेज नहीं है क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि उन्हें उनके और चिराग पासवान के एक साथ बैठने की परिस्थिति बनेगी। दोनों अलग अलग भी सीटें नेगोशिएट कर सकते हैं भाजपा के साथ, एनडीए में रह भी सकते हैं दोनों, लेकिन यहीं कहीं ना कहीं विवाद जो है वो पूरी तरीके से आ जा रहा है। दरअसल हाजीपुर की इस सीट के लिए चिराग पासवान ने कई बार, जब जब उनकी बात हुई है भाजपा के शीर्ष नेताओं से, उन्होंने अपनी डिमांड रख दी है। उन्होंने यही शर्त रखी है कि चूंकि ये सीट उनके पिता की सीट है, इस सीट पर जिस तरीके से उनके पिता जीतते आए हैं तो उस लेगेसी को कंटिन्यू करना जरूरी है। वहीं सीटों की संख्या को लेकर भी चिराग पासवान का सर्टेन रिक्वायरमेंट है। वो नहीं मानते हैं कि जो सांसद रामविलास पासवान के वक्त के थे जो चले गए पशुपति पारस के साथ, उनको दोबारा टिकट मिलना चाहिए। उन्हें लगता है कि अगर ये टिकट मिले भी तो वो उनके हिस्से के काट कर ना मिले। उन्हें लगता है कि उनके छः सांसद थे तो 6 सीटें उन्हें मिलनी चाहिए, हालांकि ऐसा होता दिख नहीं रहा है। चिराग पासवान को जो सीटें भाजपा की तरफ से ऑफर की जा रही हैं या कम से कम जो बातें छनकर आ रही हैं उस आधार पर केवल 2 सीटें चिराग पासवान को मिल सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो चिराग पासवान ये जरूर चाहेंगे कि यहाँ अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़े तो हाजीपुर की जो सीट है उससे वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अब यहीं पूरा खेल बदल गया है। क्या बदल गया है वो जान लीजिए। दरअसल ये कयास लगाए जा रहे थे दिल्ली प्रवास के दौरान, मुझे भी ये महसूस हुआ कि पशुपति पारस शायद उस हाजीपुर की सीट को छोड़ दें, लेकिन जब बातचीत मैंने उनसे की तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उस सीट को लेकर जितना सेंटिमेंटल और जिस तरीके के दलील दे रहे हैं चिराग पासवान, दरअसल उससे भी मजबूत और स्ट्रॉन्ग केस पशुपति पारस बनाकर बैठे हुए हैं और उन्हें भी फिलहाल
चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का मन नहीं है। हालांकि वो ये बात अच्छे से जानते हैं, उन्होंने कई बार कहा भी, मुझसे भी ये बात करने उन्होंने कहा कि युवाओं को राजनीति में लाना एक मुख्य उद्देश्य है, इसलिए प्रिंस राज और जो पार्टी के अन्य नेता हैं उन्हें आगे वो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस सीट पर फिलहाल एक टर्म तो वो और जाना ही चाहते हैं। अब यहीं सारा विवाद हो जा रहा है। दरअसल इस सीट को पशुपति पारस से लेकर अगर भाजपा चिराग पासवान को दे देती है तो फिलहाल एनडीए के दो दलों के बीच जो विवाद है वो समाप्त हो सकता है, लेकिन तब फिर पशुपति पारस नाराज हो सकते हैं। ऐसे में एक रिसेंट डेवलपमेंट ये हुआ है, मुझे पुख्ता जानकारी मिली है कि महुआ से जो कि हाजीपुर की सीट है वहाँ से 26 तारीख को पशुपति पारस चुनावी तैयारियों को लेकर इस लोकसभा से अपने लिए क्षेत्र रक्षण शुरू कर रहे हैं। विशेष कार्यक्रम के तहत वो महुआ यानी हाजीपुर के एक विधानसभा से शुरुआत कर रहे हैं डोर टू डोर कैंपेनिंग, और जनता के बीच जाकर जो कार्य उन्होंने किया है क्षेत्र के लिए वो बताना, और साथ ही साथ इसके दौरान वो अपनी पार्टी के जो जो कार्यकर्ताओं की संख्या है उसे भी बूथ स्तर तक बढ़ाने की तैयारी करने जा रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान उनके साथ दलित सेना रहेगी, जो कि एक आपको याद होगा कुछ दिनों पहले चर्चा में आई थी जब उसके एक नेता की हत्या हो गई थी। आपको याद होगा इस दौरान पशुपति पारस कितना एग्रेसिव हुए थे, वो जाकर बकायदा उस पूरे कार्यक्रम में शामिल रहे। और बताया जाता है कि दलित सेना दरअसल रामविलास पासवान का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, इस माध्यम से जो वोट बैंक है वो एलजेपी के लिए हमेशा जुगाड़ होता रहा है, और अब उस दलित सेना को पूरी तरीके से हाजीपुर में उतारने की तैयारी पशुपति पारस ने शुरू कर दी है। इस दौरान जब वो कैंपेन करेंगे तो उनके साथ उनके पार्टी के पदाधिकारी भी रहेंगे, और हाजीपुर की सीट को लेकर पूरी तरीके से जो दावा है जीत का वो वहाँ से वो कंफर्म करने जा रहे हैं। इसी बीच आपने एक और बात देखी होगी, जमुई में सतीश कुमार ने कार्यक्रम किया था। सतीश कुमार वही जो नीतीश कुमार को तथाकथित राजनीतिक गुरु बताए जाते हैं, सतीश कुमार ने नालंदा में कई कार्यक्रम करके अपने लिए क्षेत्र रक्षण लोकसभा में करने की जो दावा है वो ठोका, लेकिन आपने देखा कि लगभग आज से एक हफ्ते पहले सतीश कुमार ने जमुई में ओबीसी समागम कराया। इस दौरान उन्होंने जो लोजपा रामविलास है चिराग पासवान की पार्टी उससे समाज के जो ओबीसी वर्ग है खासतौर पर जो अति पिछड़ा समाज है उसको जोड़ने की कोशिश की, लव कुश समाज को जोड़ने की कोशिश की। इससे एक बात तो समझ में आ जाती है कि चिराग पासवान अब दलित के अलावा जो अति पिछड़ा समाज है ओबीसी समाज है उसे भी अपने साथ ले जाकर चलने की तैयारी में हो गए हैं। लेकिन इससे जो सबसे बड़ा नैरेटिव समझ में आता है वो ये कि चिराग पासवान शायद ये बात समझ गए हैं कि पशुपति पारस अब हाजीपुर नहीं छोड़ने जा रहे हैं, और शायद इसीलिए जमुई से चुनाव लड़ने की उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो एक तरफ जहां जमुई से चिराग पासवान अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस ने हाजीपुर से फिर एक बार अपना दावा ठोक दिया है। 26 तारीख से वहां महुआ से वो शुरू कर रहे हैं कार्यक्रम अपना, और इस माध्यम से कम इतना तो तय है कि वो भाजपा को भी मैसेज दे रहे हैं कि आप ये सीट मुझसे नहीं ले सकते हैं। निश्चित तौर पर जब हाजीपुर की सीट नहीं मिलेगी वहाँ पशुपति पारस चुनाव लड़ेंगे तो चिराग पासवान की नाराज़गी तो बढ़ेगी। चिराग पासवान फिर एनडीए में रहे आएंगे या नहीं आएंगे, अभी फिलहाल सांकेतिक तौर पर तो वो एनडीए का साथ दे रहे हैं, लेकिन आगे चल के उनके भी ऑप्शंस खुले हुए हैं। बार बार पशुपति पारस ये दावा कर रहे हैं कि वो महागठबंधन में जा सकते हैं, नीतीश के इफ्तार में ना जाकर तेजस्वी के इफ्तार में जाकर भी एक मैसेज दिया था चिराग पासवान ने, और आगे भी चिराग पासवान जब बार बार गठबंधन की बात आती है तो ये कहते हैं चुनाव में हम तय करेंगे। निश्चित तौर पर इससे वो एक रास्ता बन जाता है जो कहीं ना कहीं अगर हाजीपुर और पशुपति पारस के शर्तों पर जो चिराग पासवान रखी थी अगर उन पर नहीं भाजपा तय कर पाती है फैसला तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान के लिए ये एक तरह से एग्जिट कॉल होगा और चिराग पासवान को तय करना होगा कि आखिर वो आगे क्या करेंगे। फिलहाल जमुई पर दबाव उन्होंने ठोक दिया है, तैयारी शुरू कर दी है। जमुई के अलावा वो जरूर चाहेंगे कि निर्दलीय भी पशुपति पारस को चुनौती दें हाजीपुर से, जिसके लिए कहीं ना कहीं उन्हें एनडीए से बाहर रहना होगा। तो आप समझ ही रहे कि अब मामला कहाँ जा रहा है। निश्चित तौर पर गेम लगभग क्लियर हो गया है, लेकिन फिर भी इस पर कुछ भी नया अपडेट आता है तो आपको हम लगातार बताते रहेंगे। आप लगातार भारत लाइव को फॉलो कीजिए ताकि इस तरह की अंदर की खबरें आप तक हम लगातार पहुँचाते रहें। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।